हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिताज किचन में। आज मैं आपके लिए सेवई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही कम टाइम और कम चीज़ों के साथ बनती है, साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मैं 1/2 लीटर टोन मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध कच्चा है तो सबसे पहले इसमें उबाल लाएंगे। आप यहाँ पे फुल फैट दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे टोन मिल्क से भी बहुत बढ़िया सी सेवई बन के तैयार होती है, आगे आप वीडियो में इसे देखेंगे। अब हम एक पैन में ले लेंगे घी, और घी को गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्राई नट्स को आप अपने पसंद से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सेवई। 1/2 लीटर दूध के लिए 1/4 कप की जितनी सेवई मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और ये नॉर्मल वाली सेवई है। आप चाहे तो रोस्टेड सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेवई को अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो और जो सेवई है ना भूनते भूनते भी थोड़ी सी पक जाए, मतलब क्रंची हो जाएगी, तो इसका जो कच्चापन होगा ना वो निकल जाएगा। तो देखिए बहुत प्यारा सा कलर आया है। अब मैं बारीक कटे हुए काजू और बादाम भी डाल देती हूँ। इसके साथ ही ये रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि काजू बादाम को बहुत ज़्यादा अलग से रोस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि वो जल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में रोस्ट किया। अब यहाँ पर दूध में भी अच्छे से उबाला आ गया है। अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं और ये जो भुनी हुई सेवई है उसे डाल देते हैं। और यहाँ पे सेवई डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाना है। अगर आपने अभी सेवई को नहीं चलाया तो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और इसमें गुठली आ जाएगी। तो गरम गरम दूध है और गरम ही सेवई हमने डाली है, तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाएंगे। यहाँ आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार चला रहे हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और कोई ट्रिक आपको इसमें नहीं लगानी है, और बस आपको शुरू में थोड़ा सा इसको चला देना है, ताकि इसमें कोई गुठली ना आए। देखिए पहले से दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, और टोन मिल से भी बहुत ना क्रीमी जो सेवई है वो बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने टोटल इसे 5 से 6 मिनट तक पका लिया है, और जो दूध है वो बहुत गाढ़ा हो गया है, काफ़ी क्वांटिटी में भी कम हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अलग से कोई भी खोया, मावा या फिर मखाना कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के जितना हम चीनी डाल देंगे, या फिर आप अपने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छे तरीके से मिलाएंगे। चीनी को डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, इससे सेवई बहुत टेस्टी बनती है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सिंपल तरीके की सेवई बनके तैयार है। काफ़ी थिक है और काफ़ी क्रीमी भी लग रही है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे किशमिश। जब सेवई आपकी बन जाए, फ्लेम आपने ऑफ कर दिया है, उसके बाद ही यहाँ पे किशमिश डालिएगा, क्योंकि किशमिश खट्टा होता है। अगर आप पकाते वक्त ही डाल देंगे ना तो दूध आपका फट जाएगा, तो इस छोटी सी बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली ये सेवई की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।